नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू की, जिनको सॉल्व करेंगे हम विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू की। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ टाइम से लगातार ऑब्स्ट्रक्टिव के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सारे ही टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इन एमसीक्यू के थ्रू, ताकि ओबीसी सब्जेक्ट आपका एग्जाम से पहले थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए। तो वन बाई वन इस सेशन के अंदर नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन हम लेके आए हैं। आप लोगों से गुजारिश, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है। नया ऑफलाइन बैच जो है वो 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। 25 अप्रैल को शुरू होने वाला ये ऑफलाइन बैच 6 मंथ का रहेगा। 30 के 30 दिन क्लास रहेगी, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट। 6 महीने की ड्यूरेशन में टोटल 3000 से 4000 एमसीक्यू सॉल्यूशन विद स्मार्ट स्टडी मटेरियल टीम नोवल आपको प्रोवाइड करेगी। और इस तरह की स्टडी जो है वो श्योर सिलेक्शन करवाने का वादा रखती है। तो स्पेशल बैच है नॉर्सेट 2021 और ESIC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में नया मॉर्निंग बैच। 25 अप्रैल से पहले बैच को ज्वाइन करने पे टोटल फीस में 2001 रुपये का फायदा, 18000 की जगह फीस लगेगी 15999। शर्त है 25 अप्रैल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने का नंबर है 7272029029। इस नंबर के ऊपर 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। फोन पे या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऑनलाइन प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। ये ऐप है जहां पे आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करेगी टीम नोवल। तो बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं शुरू करता हूं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज की इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस एमसीक्यू सेशन का क्या पूछ रहा है, ए पोस्टपार्टम पेशेंट वॉज इन लेबर फॉर 30 आवर्स, है ना। लेबर कब से शुरू हो चुका, उसको 30 घंटे हो चुके हैं लेबर के अंदर है लेडी, एंड हैड रप्चर मेम्ब्रेन 24 आवर्स, है ना। लेडी पोस्टपार्टम पीरियड में है लेकिन उसका लेबर 30 घंटे चला और मेम्ब्रेन को रप्चर हुए 24 घंटे हुए थे, है ना। 24 आवर्स मेम्ब्रेन रप्चर रही और लेबर 30 घंटे तक चला। जो नॉर्मल लेबर जो है 18 घंटे तक रहता है, ये 30 घंटे तक चला, लगभग डबल के आसपास, और मेम्ब्रेन को रप्चर हुए भी 24 घंटे हो चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बी अलर्ट, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम उसमें होने की संभावना है, किस चीज के लिए आप अलर्ट रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोमेट्राइटिस, सेकेंड ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस, थर्ड ऑप्शन है साल्पिंजाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जवाब लिखिएगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 24 घंटे पहले क्या होने की संभावना है, इन्फेक्शन, और किसका इन्फेक्शन, यूट्रस का, और यूट्रस का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है, बहुत अच्छे, इट्स एंडोमेट्राइटिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, एंडोमेट्राइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, और ये प्रोलॉन्ग ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है, तो इन्फेक्शन की पूरी संभावना। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि कहीं भी अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाना आउट ऑफ द यूट्रस, ये एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो ये तो खोटा जवाब हो गया। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, किससे संबंधित है ये, फेलोपियन ट्यूब से, तो सीधा इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब को नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एंडोमेट्राइटिस को अनट्रीट करें, यानी उसको ट्रीट नहीं करें, ये अनट्रीटेड रह जाए तो इसे जाके फेलोपियन ट्यूब को भी क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है। तो अनट्रीटेड साल्पिंजाइटिस जो है वो अनट्रीटेड एंडोमेट्राइटिस जो है वो साल्पिंजाइटिस कर सकता है। और पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि पेल्विक जो वेसल है, वैन है, जो पेल्विक एरिया की जो ब्लड वेसल है वैन में, उसमें थ्रोम्बस बन जाना वो बहुत रेयर होता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज एंडोमेट्राइटिस। अब इंपॉर्टेंट चीज रहती है एंडोमेट्राइटिस के क्लिनिकल साइन क्या देखने को मिलेंगे। तो जिस भी पेशेंट को एंडोमेट्राइटिस हो जाता है उसके अंदर सिम्टम देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, कहाँ पे, एब्डोमन के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग वहां देखने को मिलेगी, डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे, फीवर
लेडी को रहेगा पोस्टपार्टम पीरियड में डिस्कम्फर्ट रहेगा बोवल मूवमेंट के साथ में और पेन रहेगा लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन के अंदर। ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एंडोमेट्राइटिस के। क्या क्या? स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन, अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्जेस, फीवर, डिस्कम्फर्ट विद बोवल मूवमेंट एंड पेन इन द लोअर एब्डोमेन ऑफ पेल्विक रीजन, सारे के सारे क्लिनिकल साइन है एंडोमेट्राइटिस के। ए यहां पे करेक्ट आंसर है, एंडोमेट्राइटिस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्लाइंट एट 36 वीक ऑफ गेस्टेशन शेड्यूल कर रहे हैं अपन रूटीन अल्ट्रासाउंड प्रायर टू एमनियोसिंथेसिस। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द पर्पज ऑफ द अल्ट्रासाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट वुड इंडिकेट टू द नर्स इंचार्ज दैट द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है द अल्ट्रासाउंड विल हेल्प टू लोकेट द प्लासेंटा। सेकेंड ऑप्शन है द अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। थर्ड है द टेस्ट विल डिटरमाइन वेदर टू इंसर्ट द नीडल एंड लास्ट है द अल्ट्रासाउंड लोकेट ए पूल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूछा जा रहा है कि 36 वीक ऑफ गेस्टेशन है, रूटीन अल्ट्रासाउंड वहां पे आपको करना है एमनियोसिंथेसिस से पहले। आप टीचिंग दिया आपने क्लाइंट को अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरा का पूरा, ये देने के बाद में क्लाइंट ने कुछ स्टेटमेंट दिए, ये चार स्टेटमेंट क्लाइंट ने बोले, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट रहेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि क्लाइंट को समझ में ही नहीं आया कि रूटीन अल्ट्रासाउंड जो एमनियोसिंथेसिस से पहले करते हैं उसका पर्पज क्या है। कहने का मतलब है जो चार ऑप्शन है उनमें से तीन जो चीज बोली है वो तो सही है, एक गड़बड़ है, वो कौन सी है? पहला ले अल्ट्रासाउंड विल हेल्प टू लोकेट द प्लासेंटा। एमनियोसिंथेसिस से पहले अगर अपन रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसका पर्पज ही यही है कि हम चाहते हैं ये पता करना कि प्लासेंटा कहां पे लोकेट है। तो ये तो जवाब नहीं बन सकता, ये तो सही स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन बोला है द अल्ट्रासाउंड लोकेट ए पुल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का पुल कहां पे है ये पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये भी बात सही है। आप लोगों ने, कई लोगों ने ए और कई लोगों ने डी, मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है, सवाल ही समझ में नहीं आया आपको, बिल्कुल खोटा जवाब है डी, ए भी खोटा जवाब है। देखिएगा पर्पज पूछा है क्या है, तो ये दोनों ही पर्पज है और एक और पर्पज है इसमें, और वो पर्पज क्या है, टू टेस्ट विल डिटरमाइन वेदर द वेयर टू इंसर्ट ए नीडल, नीडल कहां से इंसर्ट करें ये पता करने के लिए भी करते हैं। तो एमनियोसिंथेसिस से पहले रूटीन अल्ट्रासाउंड करने का रीजन है, तीन रीजन है, तीनों ही सही है। हम प्लासेंटा की लोकेशन भी देखते हैं कि कहां है, प्लासेंटा को नुकसान ना पहुंचे, निडल को कहां से इंसर्ट करना है ये भी पता करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड है कहां ये भी पता करते हैं, ताकि जहां मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूड है वहीं निडल को डाल के एमनियोसिंथेसिस कर दें, हम फाइन निडल एस्पिरेशन कर दें। तो ए सी और डी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए जवाब नहीं बनेंगे। खोटा स्टेटमेंट क्या है, जब लेडी बोलती है कि अल्ट्रासाउंड इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो रहा है ये पता करने के लिए, तो रूटीन अल्ट्रासाउंड कभी भी ये पता नहीं करता है। अगर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड फ्लो का पता करना है तो आपको डोपलर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ये रूटीन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ये डोपलर अलग स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिससे आपको ब्लड फ्लो का पता चलेगा। तो बी यहां पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है। समझ गए बात को, आगे लेके चलता हूं। थोड़ा ट्रिकी और क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम जो सोचते हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ ही नहीं रहा होता है, पूछ क्या रहा है इसका पता चलता है, तभी हम सकल हो पाते हैं। और अगर आप इस तरीके के कंसेप्ट जिंदगी में बनाना चाहते हैं तो कंसेप्ट स्टडी करनी पड़ेगी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, स्टडी कंसेप्चुअल मटेरियल विद कंसेप्चुअल एमसीक्यू, और ये प्रोवाइड करती है टीम नोवल। तो बस इंतजार किस बात का, 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है, टीम नोवल सारे ही कंसेप्ट बना देगी और ये खोपड़ा है इसको बदल के रख देगी, और जब खोपड़ा बदलेगा आपका तभी आप एग्जाम की खोपड़ी के अंदर छेद करने के काबिल बनेंगे। और डिसाइड कर दिया टीम नोवल ने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप ही चाहते हैं अपनी जिंदगी में सपनों को सफल करना तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग एक कंसेप्चुअल स्टडी लेरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आया है और एग्जामिनर को यह बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन। व्हाइल द पोस्टपार्टम क्लाइंट इज रिसीविंग हिपेरिन, जब पोस्टपार्टम क्लाइंट को आप क्या दे रहे हो, हिपेरिन दे रहे हो फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, और ये ड्रग जो है वो काम में ली जाती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए, ये काम में ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर इफ द क्लाइंट डेवलप कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द हिपेरिन थेरेपी।
हिपेरिन थेरेपी का अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया क्लाइंट को, हिपेरिन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। आप जब एंटीकोएगुलेंट देते हैं तो मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे है, तो हिपेरिन का कॉम्प्लिकेशन हो गया अगर क्लाइंट में और क्लाइंट में ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो आप कौन सी ड्रग अवेलेबल रखेंगे, कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामिन सल्फेट, मेथाइल इर्गो नोविन या मिथार्जिन जिसको बोलते हैं, या नाइट्रोफुरेंटोइन, चार दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। हिपेरिन का कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग, और अगर क्लाइंट को ब्लीडिंग हो रही है तो कौन सा दवाई देंगे, एंटीडोट क्या रहेगा, कहने का मतलब है हिपेरिन थेरेपी का एंटीडोट क्या देंगे। और हिपेरिन का एंटीडोट बहुत बढ़िया, 100% लोगों ने सही जवाब दिया है, छा गए भाई आप दो, बी इज द करेक्ट वन, इट्स प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन का एंटीडोट। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है MgSO4 का एंटीडोट होता है। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया के अंदर इसको देते हैं, कब देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी अगर पेशेंट को हो रही है तब इसको देते हैं, है ना। हाइपोकैल्सीमिया का इलाज है हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी में देते हैं, MgSO4 का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इसके अलावा दिया जाता है डिसएरिथमियाज के अंदर, डिसएरिथमियाज, और ये डिसएरिथमिया जो है वो पोटेशियम टॉक्सिसिटी की वजह से अगर हो रहा हो, पोटेशियम टॉक्सिसिटी की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो रही हो, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट काम में लेते हैं। तो मल्टीपल यूजेज है कैल्शियम ग्लूकोनेट के, लेकिन हिपेरिन के ओवरडोज में कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल नहीं है, वहां तो प्रोटामिन सल्फेट देना पड़ेगा। मिथार्जिन दवाई जो है वो ब्लीडिंग को रोकती है पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, और नाइट्रोफुरेंटोइन जो है ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है UTI के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लूट्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ई कोलाई के खिलाफ अच्छी इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट है नाइट्रोफुरेंटोइन, तो वहां पे इसका रोल रहता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट ऑफ हिपेरिन थेरेपी, जिसका कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बातें बड़ी इफेक्टिव है, बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतनी आसान नहीं है। पूछा जा रहा है, व्हेन केयरिंग फॉर ए 3 डेज ओल्ड नियोनेट हु इज रिसीविंग फोटोथेरेपी, 3 दिन का बच्चा रिसीव कर रहा है फोटोथेरेपी, और आप फोटोथेरेपी क्यों दे रहे हो, जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। नर्स इंचार्ज वुड एक्सपेक्ट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, एज ए नर्स इंचार्ज आप क्या चीज वहां पे करेंगे, टर्न द नियोनेट एवरी 6 आवर्स, हर 6-6 घंटे में बच्चे को टर्न करेंगे। एनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को बोलेंगे ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर दो, बंद कर दो। नोटिफाई द फिजिशियन इफ द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे अगर स्किन का कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 आवर्स, हर 2 से 4 घंटे में वाइटल साइन को चेक करेंगे। जो आप लिखेगा बात बड़ी पते की है और क्वेश्चन बड़ा कतई जहर टाइप का है, तो इंपॉर्टेंट चीजें और कंसेप्चुअल स्टडी ही आपको जिंदगी में सफल बना सकती है। 3 दिन का बच्चा है, फोटोथेरेपी रिसीव कर रहा है, लोगों ने जवाब दिया है सी जो कि खोटे जवाब है। पहली बात क्लियर कर देता हूं कि नोटिफाई द फिजिशियन इफ द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर, ये इंडिकेट करता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को, किसको इंडिकेट करता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को। और फोटोथेरेपी का ये कॉम्प्लिकेशन ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, जिसमें स्किन का कलर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, ये कभी भी 3rd दिन नहीं होता है, लगभग इसको होने में, डेवलप होने में हफ्ता भर लगता है, 7 डेज लगते हैं। ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी का, कैसा कॉम्प्लिकेशन है, रेयर, और इसको होने में भी 7 दिन लगेगा। ऐसा नहीं लाइट लगाई और बच्चा ब्रॉन्ज कलर का हो गया, इट्स नेवर एवर पॉसिबल। हमारा बच्चा कितने दिन का है, 3 दिन का है, तो ये कॉम्प्लिकेशन 3rd दिन नहीं हो सकता, इसलिए सी तो सबसे खोटा जवाब है। कंसेप्चुअल बातें हैं, खोपड़ी में रखना पड़ेगा, और यही कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे जिंदगी के अंदर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनकरेज करेंगे मदर को डिसकंटिन्यू कर दो ब्रेस्ट फीडिंग को, तो कभी भी नहीं करते। अगर ब्रेस्ट मिल्क से भी जॉन्डिस हो रहा है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू ही करते हैं, तब तक जब तक बच्चा पीना बंद ना कर दे। ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू बच्चा कर सकता है, हम नहीं कर सकते, तो बी और सी तो खोटे जवाब है दोनों ही। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है टर्न द न्यूनेट एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे में बच्चे को टर्न करो। वैसे फोटोथेरेपी जब बच्चे को देते हैं तो सुपाइन पोजीशन सबसे अच्छी मानी जाती है, कोई और पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव है फोटोथेरेपी इस पे। ना हो तब हम जाके कहीं टर्न के बारे में सोचेंगे, तो हर 6 घंटे में टर्न करने का तो कंसेप्ट ही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर बनेगा डी, चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 आवर्स, डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे हर 2 से 4 घंटे में वाइटल्स चेक करना है, क्योंकि फोटोथेरेपी की वजह से, लाइट की वजह से बच्चे में हाइपरथर्मिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे के वाइटल डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वाइटल साइन चेक करते रहो, हाइपरथर्मिया के लिए असेस करो, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ट्रीट करो, ये प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा, ये कॉमन सिम्टम का पता लगवाएगा।
तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया का इंडिकेशन वाइटल्स के थ्रू मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा फोटोथेरेपी के दौरान 3 दिन के बच्चे के अंदर। तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, देखिएगा बातें पते की है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूले, शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करे और लाइक बटन को जरूर प्रेस करे, है ना। मैक्सिमम लोगों ने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, ऊपर वाला सब जानता है, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द कंटेंट, शेयर इट फास्ट। ए प्राइमरी ग्रेविडा इन एक्टिव लेबर इज अबाउट 9 डेज पोस्टपार्टम, बातों पे ध्यान रखिएगा, 9 दिन हो गया है एक्टिव लेबर के अंदर, प्राइमरी ग्रेविडा लेडी है, 9 डेज पोस्टपार्टम है। द क्लाइंट डिजायर है बाइलेटरल पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया, क्लाइंट की डिजायर है, इच्छा है कि उसको बाइलेटरल पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाए बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले उसको पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाए। आफ्टर द नर्स एक्सप्लेनिंग दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया टू द क्लाइंट, जब नर्स ने इस क्लाइंट को इस तरीके के एनेस्थीसिया के बारे में बताया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आइडेंटिफाई बाय द क्लाइंट एज द एरिया ऑफ रिलीफ वुड इंडिकेट टू द नर्स दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव। कहने का मतलब है कि पुडेंडल ब्लॉक कौन से एरिया में लगाते हैं, बातें बड़ी है, 5-7 लाइनें होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कोई एक बात बोलना चाहता है, वो बात समझनी चाहिए, और यहाँ ये पूछ रहा है कि पुडेंडल ब्लॉक कहाँ लगाते हैं, बैक में, एब्डोमन में, फंडस में या पेरिनियम में। कितना आसान हो गया, लाइनें 6 है लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है कि पुडेंडल ब्लॉक कहाँ लगाते हैं, आपको कोई भी बता सकता है, और मैक्सिमम लोगों ने सही बताया, और ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुडेंडल ब्लॉक हमेशा लगता है पेरिनियम में। बहुत बढ़िया, कब लगता है, पेरिनियम में, बाइलेटरल दोनों साइड में लगा रहे हैं, पेरिनियम में लगता है। और क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो जब बच्चा डिलीवर होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, फीटल का हेड की क्राउनिंग होती है, तो प्रेशर लगता है पेरिनियम वाले एरिया के ऊपर, उससे लेडी को सीवियर पेन होता है, उस पेन से रिलीव के लिए लगाते हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे एपिजियोटोमी की जरूरत हो, एपिजियोटोमी है ना, जो कट लगाया जाएगा पेरिनियम में रप्चर होने से प्रिवेंट करने के लिए, और उसको वापस रिपेयर किया जाएगा, तो अगर वो एरिया एनेस्थेटाइज रहेगा तो लेडी को पेन नहीं होगा। तो पेरिनियम एरिया में लगाते हैं, पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करते हैं, पुडेंडल ब्लॉक बोला जाता है, पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थीसिया है, और इसकी ये एपिजियोटोमी और पेन को मिनिमाइज करने के लिए पेरिनियम एरिया में इसको लगाया जाता है। तो डी इज द करेक्ट वन, ए बी और सी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 48 घंटे बाद में द नर्स इंचार्ज प्लान डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द क्लाइंट अबाउट इन्फेंट केयर, इन्फेंट केयर के बारे में टीचिंग प्लान देना चाह रहे हो आप। बाय दिस टाइम द नर्स एक्सपेक्ट दैट द फेज ऑफ पोस्टपार्टम साइकोलॉजिकली एडेप्टेशन दैट द क्लाइंट वुड बी इन वुड ऑफ द टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। बर्थ, बेबी बर्थ होने के बाद में कुछ साइकोलॉजिकल फेजेज चलती है, जिनको टाइम इन, टेकिंग होल्ड, लेटिंग गो, रिजोल्यूशन, इस तरह की फेज वहां पे चलती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 48 आवर्स बाद में जब आप ये बताना चाह रहे हो लेडी को इन्फेंट केयर के बारे में, तो लेडी कौन सी फेज के अंदर है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन। साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब होता है कि लेडी दिमागी रूप से ये एडेप्ट कर दे कि उसने बच्चा डिलीवर किया, वो बच्चा उसका, और उसको बच्चे की केयर देनी पड़ेगी, इसको साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये जो फेज की शुरुआत होती है बच्चे के बर्थ होने के बाद में, सबसे पहला फेज होता है टेकिंग इन, और ये टेकिंग इन फेज जो होता है वो फर्स्ट 1 to 2 days का होता है, और 1 to 2 दिन का मतलब होता है 24 to 48 hours। तो पहले 24 से 48 घंटे तो चलता है टेकिंग इन फेज, ये लेडी है 48 आवर्स के बाद में, 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, इसका मतलब टेकिंग इन फेज नहीं होगा, वो गुजर चुकी है। टेकिंग इन फेज के अंदर लेडी बताती है उसके प्रीनेटल चीज़ों के बारे में, लेबर के प्रोसेस के दौरान उसको क्या क्या सामना करना पड़ा, अपनी कंप्लेंस और अपनी सारा जो भी चीज़ है, जो डाटा उसने असेस किया है, वो सब बताती है इस फेज में, इसको टेकिंग इन फेज कहते हैं। दूसरी फेज जो आती है 48 घंटे के बाद में, 10 दिन तक रहती है, इसको टेकिंग होल्ड फेज कहते हैं, और ये करेक्ट आंसर बनेगा सी। ये 10 डेज तक रहती है, टिल 10 डेज, 48 आवर्स के बाद में 10 डेज तक रहती है, टिल 10 डेज, फेज का नाम है टेकिंग होल्ड। और इस फेज के अंदर जो लेडी है वो इस चीज को होल्ड करती है, इस चीज को टेक होल्ड करती है कि उसने जो बेबी डिलीवर किया है उस बेबी का केयर कैसे देना है, खुद का केयर कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सीखती है। ये फेज को बोलते हैं टेकिंग होल्ड फेज। इस फेज के बाद की एक फेज आती है जिसको लेटिंग गो फेज कहते हैं। इसमें लेडी
जो बर्थ होने से पहले की उसकी लाइफ थी और बेबी के बर्थ होने के बाद की अब जो लाइफ है, इन दोनों में कंपैरिजन को खत्म करती है, पहले वाली लाइफ को ब्लॉक करती है और बाद की लाइफ को एक्सेप्ट करती है। तो लेटिंग गो मतलब पहले वाली जिंदगी अब चली गई है, अब उसके बारे में सोचना व्यर्थ है कि मैं अकेली रहूंगी ये वो, अब तो बच्चे को रखना पड़ेगा, बच्चे के साथ रहना है, ऐसा साइकोलॉजिकली एडेप्टेशन वो करती है, इसको लेटिंग गो फेज कहते हैं। और रिजोल्यूशन फेज जो होती है, इस फेज के अंदर लेडी के सारे जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो सब रिजोल्व हो जाते हैं और वो 100% बेबी केयर के अंदर और बेबी को एक्सेप्ट करती है और बेबी के साथ ही जीना पसंद करती है, ये रिजोल्यूशन फेज कहलाती है। तो कुछ साइकोलॉजिकल फेजेज है, दो फेज ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है आपको, एक तो याद रखना है टेकिंग इन फेज जो फर्स्ट 2 डेज का होता है, और दूसरा आपको लिखना है टेकिंग होल्ड फेज जो 2 दिन से लेकर 10 दिन का होता है। और जब भी टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछे तो टाइम पीरियड का याद रखना, 48 घंटे तक या 2 दिन तक टेकिंग इन है और 2 दिन से 10 दिन तक टेकिंग होल्ड है। इन पहले आती है, होल्ड बाद में आती है, पहले इन होगी फिर उसको होल्ड करेंगे, दो ही बातें। तो होल्ड पहले नहीं हो सकता, पहले इन होता है, कोई चीज अपने अंदर जाएगी, मैं कुछ बोल रहा हूं आप पहले सुन रहे हो, सुनने के बाद में उसको होल्ड करोगे, होल्ड नहीं करोगे तो एग्जाम में गोल्ड नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, गोल्ड का मतलब है नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको हर एक कंसेप्ट को होल्ड करना है, उसको अप्लाई करना है, उसको सीखना है और परमानेंट याद रखना, आधी रात को आंधी में तूफान में उठा के कोई पूछ ले तो भी जवाब आपके पास होना चाहिए, ऐसी कंसेप्चुअल स्टडी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जगह है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में कंसेप्चुअल स्टडी सफलता का एकमात्र सिद्धांत टीम नोवल आपको करवाती है, आज ही ज्वाइन करें। 25 अप्रैल से नया मॉर्निंग बैच है, बता दूं आपके ध्यान के लिए, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, डायग्नोस हुआ है पार्शियल प्लासेंटल प्रीविया, डायग्नोस क्या हुआ है, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोस हुआ है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन डायग्नोसिस को, नर्स टेल द क्लाइंट दैट द अनयूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा यूजुअल ट्रीटमेंट है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का, मतलब पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, यूजुअली कैसे ट्रीट करते हैं, एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, प्लेटलेट इन्फ्यूजन, इमीडिएट सीजेरियन डिलीवरी, लेबर इंडक्शन विद ऑक्सीटोसिन। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है प्लासेंटा का लोअर यूटराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाना, और हुआ कैसा है, वो पार्शियल हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होता है तो पूरा सर्विक्स का ओस बंद हो जाता है प्लासेंटा की वजह से, और ढका हुआ नहीं है पूरा, जगह है वहां पे। तो एक ऑप्शन कह रहा है लेबर इंडक्शन विद ऑक्सीटोसिन, अगर टर्म लेबर नहीं है और लेबर पेन नहीं आ रहा तो इंड्यूस नहीं कर सकते अपन पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया में। इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, जस्ट वेट एंड टेक रेस्ट। प्लेटलेट इन्फ्यूजन नहीं कराते, अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है और हो रही है ज्यादा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, प्लेटलेट देने से फायदा नहीं है। तो बी सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये इंटरवेंशन पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का यूजुअल ट्रीटमेंट नहीं है, ये काम में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए कि लेडी में एक्टिविटी लिमिट करेंगे और उसको बेड रेस्ट देंगे, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक्टिविटी लिमिटेड एंड बेड रेस्ट, ये पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का एक्चुअल ट्रीटमेंट है। तो ए इज द करेक्ट वन, बी सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन, एग्जाम की खोपड़िया में छेद करने के लिए ये क्वेश्चन आया है, पूछा जा रहा है द नर्स प्लान टू इंस्ट्रक्ट ए पोस्टपार्टम क्लाइंट अबाउट मेथड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट को प्रिवेंट करने के मेथड के बारे में आप बता रहे हो, तो कौन सा चीज टीचिंग प्लान में इंक्लूड करोगे, मतलब कौन सा तरीका है जिससे ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। फीडिंग द न्यूनेट ए मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स पर साइड ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन फर्स्ट डे न्यूनेट को मैक्सिमम 5 मिनट पर साइड ऑफ ब्रश से फीड कराना है। दूसरा है वियरिंग ए सपोर्टिंग ब्रेसरी विद निप्पल शील्ड से सपोर्टिंग ब्रेसरी जो है वो वियर करना है। ब्रश फीडिंग द न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल पे न्यूनेट को ब्रश फीड कराना है। और डिक्रीज फ्लूड इनटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, पहले 24 से 48 घंटे में फ्लूड इनटेक को डिक्रीज करना है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ब्रश एनगोजमेंट को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, जवाब लिखिएगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है फीडिंग द न्यूनेट मैक्सिमम 5 मिनट्स पर साइड ऑफ ऑन द फर्स्ट डे, बिल्कुल खोटा है, पहले दिन 5 ही मिनट फीडिंग कराएंगे एक साइड से, खोटा जवाब है। फीडिंग हर 1 to 2 आवर्स के अंदर आपको रिपीट करना है और टोटल 8 से 10 बार 8 to 12 times फीड कराना है पर डे, सिर्फ एक टाइम और 5 मिनट के लिए कराने से फायदा नहीं है, तो ये तो खोटा जवाब है।
वियरिंग ए सपोर्टिव ब्रेसरी विद निप्पल शील्ड, इसकी जरूरत नहीं रहती है, निप्पल शील्ड ब्रेसरी सपोर्टिव ब्रेसरी पहनते हैं, निप्पल शील्ड का नीड यहां पे नहीं रहेगा। और डिक्रीज फ्लूड इंटेक से फायदा नहीं है, इंक्रीज करना है फ्लूड इंटेक प्रेग्नेंट लेडी को, बढ़ाना है क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होती है, वो लेबर से निकली है, उसको थकान है, उसमें फ्लूड की डेफिशिएंसी है, उसको फ्लूड इंटेक बढ़ाना है आपको। ए बी और डी तीनों खोटे जवाब है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग द न्यूनेट एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल, बार बार बच्चे को दूध पिलाते रहो, अगर बार बार लेडी बेबी को दूध पिलाती रहेगी तो उसका ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट नहीं होगा, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कराने पे ही ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट होता है, तो ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट नहीं होगा तब जब फ्रीक्वेंट फीड कराएंगे। इससे दो फायदे, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और माँ के ब्रेस्ट भी खाली रहेगा, एनगोर्जमेंट नहीं होगा तो माँ को भी बीमारी नहीं होगी, बच्चे को भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव टाइप की करानी बहुत जरूरी है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, पर डे 8 to 12 times ब्रेस्ट फीड कराना होता है, हर एक से दो घंटे में रिपीट करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग को। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इस लोगों के साथ में 5-star रेटिंग का एक ऐप दिखा गया, ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, ऐप को वहां पे इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हो तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है, कब होने जा रहा है 25 अप्रैल को, तो इंतजार किस बात का, 25 अप्रैल को नए मॉर्निंग बैच को आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि 25 अप्रैल से पहले ज्वाइन करने पे टोटल फीस में 2001 रुपए का फायदा, 18,000 की जगह फीस लगेगी 15,999 अगर आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। अब आप कहोगे 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, तो 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है और ये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको, नंबर है 7272029029, नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर सकते हो 1000, और ये करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें और पेमेंट करने के बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना बिल्कुल ना भूले। सीट लिमिटेड है कोविड गाइडलाइन के चलते, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट कंफर्म करें, 25 अप्रैल का इंतजार ना करें, और 25 अप्रैल से पहले करवाने पे ही आपको टोटल फीस में फायदा होगा। ये जो नया मॉर्निंग बैच है ये 6 month का बैच रहेगा, 30 के 30 दिन क्लासेज रहेगी, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, 3,000 से 4,000 MCQ प्रैक्टिस विद कंसेप्चुअल थ्योरी, एकमात्र तरीका है नॉर्थसेट 2021 को क्रैक करने का, और टीम नोवल इसको अच्छे से जानती है और आप लोग उस पर विश्वास करके इसको ज्वाइन करें, डेफिनेटली सफलता के शिखर तक आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन टीम नोवल की तरफ से थी, आज का वीडियो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन नया वीडियो का आप तक पहुंचे। हमेशा सुबह 9 बजे 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे डेली जो है क्लासेज होती है इस चैनल, तो बिल्कुल देखना ना भूले और शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और बढ़िया सुन रहे हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।